फॉर बिटकॉइन। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिंपली ये डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। बिटकॉइन इज़ राइट नाउ नॉट ट्रेडिंग जोन पे है, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ से लॉन्ग का पोजिशन बना सकता है 36,000 के नीचे अपने स्टॉप लॉस को रख के, जो कि रिस्की ट्रेडर है उन लोगों के लिए है। बाकी ट्रेडर लोग कन्फर्मेशन का वेट करें, जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके लिए यहाँ से अच्छा एक रिक्स रिवॉर्ड का ट्रेड बनता है लॉन्ग का, क्योंकि बिटकॉइन सपोर्ट पे है। यहाँ से हो सकता है बिटकॉइन पंप करे, अगर पंप करता तो इसे ये जो ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 45,000 के, तो इसके बाद दूसरा टारगेट होगा 49,000। अगर नीचे ब्रेक करता है तो इसका टारगेट होता है 31,000 और दूसरा टारगेट होता है 28,000, जो कि आपको येलो लाइन पे दिख रहा है। ऊपर ब्रेक करता है तो वो आपका ऑरेंज लाइन जो दिख रहा है, तो वो ये बिटकॉइन का टारगेट है। तो बिटकॉइन अभी अनसर्टन है, कहीं किधर भी ब्रेक ले सकता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल जिधर ब्रेक लेगा उधर इतना मूव ले सकता है। ये मैंने टारगेट आप लोगों को डिफाइन कर दिया है। तो अगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो सेफ ट्रेडर है, वो अभी वेट कर ले, बिटकॉइन का ब्रेक होने का वेट करें। बिटकॉइन यहाँ से अभी अनसर्टन है, क्योंकि जिस तरह से डाउनफॉल आया था इसीलिए अभी बिटकॉइन से लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ है। इसलिए इस लेवल पे थोड़ा सा बाइंग कम आ रहा है, सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। RSI 36 चल रहा है, इसका मतलब इसके बायर के कंट्रोल में है। तो हो सकता है कि यहाँ से बिटकॉइन एक और डंप ले, अपने प्रीवियस जो लो है वहाँ पर ही टच करने की कोशिश करें। वहाँ से पहुँच आने का ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ से हो सकता है एक बिटकॉइन एक बार और डंप ले। तो जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो वो अगर स्पॉट बाय करना चाहते हो तो उन्हें मैं बोलूँगा कि आप वेट कर ले, अपसाइड ट्रायंगल को अपसाइड ब्रेक करने दे और रिटेस्टमेंट लेने दे, उसके बाद एंट्री ले। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अगर वो शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल को नीचे ब्रेक होने दे और इस रिटेस्टमेंट में ले, तब यहाँ से वो शॉर्ट कर सकते हो। उनका टारगेट होगा 31,000 अगर नहीं होल्ड करता है तो वो 28,000-26,000 तक का अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो लॉन्ग बनाना चाहता है, जो रिस्की ट्रेडर है, वो लोग यहीं पर एंट्री ले और अपने स्टॉप लॉस को 36,000 के नीचे रखें। तो यहाँ से अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड उनको मिल सकता है अगर यहाँ से मार्केट बाउंस किया तो। तो मार्केट का कपल ऑफ आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 आवर का चार्ट है। नेक्स्ट 2 आवर में मार्केट हो सकता है डिसाइड करे, अगर नीचे ब्रेक करता है तो बिटकॉइन के लिए ऑरेबल है, अपसाइड यहाँ से जाता है तो बिटकॉइन में भी 45K तक का बाउंस कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह से आप लोगों को टेक्निकली व्यू देते रहूँगा क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। अगर कोई भी आपको कॉइन पे टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।